दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी बेंगलुरु में दोस्तों, और SMBT रेल स्टेशन का सामने, यहाँ से SMBT रेल स्टेशन को बस 1 किलोमीटर दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं, यह है मेन रोड, और यहाँ से जाएंगे तो सीधा SMBT रेल स्टेशन दोस्तों, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं सिटी का नज़ारा दोस्तों, ये है शिवानगर, इसको शिवानगर कहता है दोस्तों। ओके, और यहाँ पर ऊपर का व्यू देख सकते हैं दोस्तों, बिल्डिंग का जिस तरह का है। और यहाँ पर ही मैं कल रात में रुका हुआ था एक हॉस्टल में। हॉस्टल का प्राइस है लगभग 300 रुपया लिया। तो आज आप लोगों को दिखाऊंगा बेंगलुरु में कहाँ कहाँ घूमूंगा, सारा चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को दोस्तों। ऐसे तो मैं बेंगलुरु में महीने में 2 बार आता हूँ दोस्तों, लेकिन घूमता नहीं हूँ यहाँ पर। लेकिन आज बेंगलुरु में किधर किधर जाऊंगा सारे चीज़ दिखाऊंगा दोस्तों, और ओरियन मॉल में भी जाऊंगा दोस्तों। वीडियो एंड तक देखिए, और चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो स्टार्ट। दोस्तों मैं हूँ अभी विधानसभा का सामने, देख सकते हैं मेरा पीछे, तो अभी उस साइड जाएंगे दोस्तों। देखिए गाड़ी, ट्रैफिक फुल ज़्यादा है दोस्तों। तो चलिए अभी उस साइड चला जाता हूँ, वहाँ से जाना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर मैं पहले भी आया था लेकिन वीडियो नहीं बनाया, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हैं ये है हाईवे रोड, फुल गाड़ी जाम रहता है, कभी भी ट्रैफिक ही रहता है दोस्तों यहाँ पर। ये देख सकते हैं विधानसभा के पीछे। तो आप लोगों को कैसा लगा कर्नाटक का विधानसभा, कमेंट पे बताइए दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप लोगों को विधानसभा दिखाया, तो अभी जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ये है विधानसभा, उसका सामने आप लोगों को मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग मेजेस्टिक कहीं पर भी जा सकते हो दोस्तों, बेंगलुरु मेजेस्टिक, नहीं तो और दूसरा जगह में जाना है तो जा सकते हो दोस्तों। और यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को गोबन पार्क देखने को मिलेगा दोस्तों। तो अभी यहाँ से जाऊँगा मैं ओरियन मॉल जाऊँगा दोस्तों। यहाँ से देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन से मैं जा रहा हूँ ओरियन मॉल। 30 रुपीज़ में कॉइन ले लिया ओरियन मॉल जाने के लिए। इतना एक कॉइन देता है, ये कॉइन उसका अंदर देना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद मेट्रो में जा पाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए एंट्री करने का। फाइनली पहुंच गया ओरियन मॉल का सामने, जो कि विधानसभा से उधर से मेजेस्टिक आया मेट्रो में। 2 मेट्रो चेंज किया दोस्तों, विधानसभा से मेट्रो में आके मेजेस्टिक उतरा, उधर से दूसरा मेट्रो से ओरियन मॉल का सामने आ गया दोस्तों। अभी जा रहा हूँ अंदर। मेरा बाल बहुत ही ख़राब लग रहा है सच में दोस्तों, क्या भी नहीं दिया सुबह में, वैसे पानी ला के आ गया दोस्तों, बहुत ही ख़राब लग रहा है सच में। तो अभी जाऊँगा, देखते हैं कैसा है ओरियन मॉल। इंस्टाग्राम में देख देख के बोर हो गया हूँ दोस्तों, तो सोचा ओरियन मॉल जाके देखूंगा कैसा है ओरियन मॉल। तो चलिए मजा आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए लिखा है ओरियन, यही ओरियन मॉल है दोस्तों। अभी चलते हैं अंदर, और ये है एंट्री गेट। अंदर एंट्री करने के लिए यहाँ पर चेकआउट करेगा, देख सकते हैं चेक कर रहे हैं। यहाँ पर बैग वगैरह चेक करता है, चेक करने के बाद अंदर एंट्री देता है दोस्तों। वाव दोस्तों, देख सकते हैं ये है ओरियन मॉल, अंदर देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह के हैं। और दोस्तों ओरियन मॉल एशनपुर इलाका में स्थित है दोस्तों, अभी ऊपर दिखा था आप लोगों को। और यहाँ पर है टोटल 4 फ्लोर, देख सकते ये है शहर का सबसे बड़ा मॉल है दोस्तों, और ये एशनपुर इलाका में स्थित है दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगा दोस्तों, कोई भी चीज़ चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। और ये बेंगलुरु में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मॉल कहा जाता है दोस्तों, और यहाँ पर आदमी आता भी ज़्यादा दोस्तों, और घूमने के लिए भी आता है, ऐसे भी आता है दोस्तों। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा घुमा के। यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप लोगों को एस्केलेटर भी दिया है, और आप लिफ्ट भी दिया है, लिफ्ट दूसरा जगह में है, आप लोगों को दिखाऊँगा लिफ्ट में भी जाके।
देख सकते हैं इधर से कुछ इस तरह का दिख रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है सच में। और आप लोगों को बाहर भी दिखाऊंगा, पहले अंदर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दुकान वगैरह, कॉफ़ी शॉप, हर चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक मोबाइल शॉप है आईफोन, वो भी आईफोन यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आईफोन लैपटॉप वगैरह खरीद सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा इस मॉल में दोस्तों, ओरियन मॉल दोस्तों, इसलिए बहुत फेमस है। और यह देख सकते हैं कपड़ा, और ये क्या चल रहा है दोस्तों देख सकते हैं, अच्छा लगा सच में, मस्त लग रहा है। एक बार बंद हो रहा है, एक बार ओपन हो रहा है, अच्छा है। और यहाँ पर एस्केलेटर दिया है, एस्केलेटर से सीधे जाएंगे थर्ड फ्लोर पर। वाह, अगर आप लोगों को मन करे दोस्तों ओरियन मॉल में आने के लिए तो आप लोग भी आइए, आके घूम के जाइए। ऐसे ही कुछ खरीदते नहीं, लेकिन आया हूँ तो कुछ खरीदना ही पड़ेगा दोस्तों। देखते हैं क्या खरीदेंगे, बाद में देखता हूँ, अभी वीडियो बना लेता हूँ पहले। यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह आप लोगों को अब देखने को मिलेगा। और ये है गेमिंग का, देखिए बच्चों का गेम खेलने के लिए गेमिंग वगैरह सब इधर भी है, ऊपर भी है। यहाँ पर बच्चे लोग गेम खेल सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं गेमिंग वगैरह यहाँ पर खेल सकते हो। देखिए दो लड़का खेल रहा है, गेम खेल रहा है। आप लोगों को ऐसा फील आएगा जैसे आप लोग बाइक चला रहे हो, ऐसा फील आएगा। ये देखिए कार चलाने के लिए यहाँ पर दो है, कार चलाने के लिए, और यहाँ पर घोड़ा चलाने के लिए है। देख सकते हो घोड़ा भी चला सकते हो सेम वैसे ही। अभी दिखाएंगे आप लोगों को ओरियन मॉल का सामने कैसा है, वहाँ पर जाएंगे दोस्तों। आप लोगों को दिखाया टोटल चार फ्लोर है यहाँ पर, मैं यहाँ पर जाऊँगा सीधा नीचे, लिफ्ट तो आया नहीं दोस्तों, अभी आएगा ऊपर। अभी आ गया दोस्तों सबसे नीचे फ्लोर में, तो अभी आप लोगों को दिखाऊंगा ओरियन मॉल का सामने। देख सकते हैं दोस्तों सामने कुछ इस तरह के, आप लोगों को इस साइड में भी रेस्टोरेंट देखने को मिलेगा और इस साइड में भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, और ये है सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो दोस्तों, ये तो अमेजोन कंपनी शायद होगा दोस्तों, वही मैं सुना था। और ये देख सकते हैं सामने कुछ इस तरह का है, ये है ओरियन मॉल का सामने, देख सकते कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है दोस्तों। और यहाँ पर कन्नड़ में लिखा है और वहाँ पर इंग्लिश में लिखा है ओरियन मॉल दोस्तों। और ये है सामने, और ये देखिए बच्चों को बैठने के लिए ट्रेन, बच्चे से ज़्यादा बड़ा आदमी बैठा है ट्रेन में। ये दोस्तों पार्क जैसा दिख रहा है, मस्त लग रहा है यहाँ पर, मस्त अच्छा ठंडा ठंडा हवा आ रहा है यहाँ से। और ये देख सकते हैं बिल्डिंग, और पार्किंग एरिया सबसे नीचे है दोस्तों, देख सकते हो। और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग दिख रहा है आप लोगों को सामने, काफ़ी अच्छा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए आदमी आराम से बैठा है झाड़ के नीचे। आदमी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी खाली घूमने के लिए आता है दोस्तों, शॉपिंग करने के लिए कम ही आता है, ज़्यादातर आदमी घूमने के लिए ही ज़्यादा आता है दोस्तों। इसका मस्त लगा ये जगह दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग इस तरफ कुछ बिल्डिंग है, और वहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्डिंग तो सबसे अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो अभी ये मॉल से बाहर जा रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोगों को सारे चीज़ दिखाया, इस मॉल का अंदर भी दिखाया आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों।